हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ उमा। उमंस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग डाल रही हूँ मैं। इस तरह से आपको मैं अपने प्लांट्स की अपडेट दिखा रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हेल्दी से प्लांट हैं मेरे। देख सकते हैं दोस्तों, इनको आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको थोड़ी थोड़ी सी इनकी गुड़ाई कर दो, इनमें हल्की हल्की सी खाद डाल दो, पानी इतना देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको 3-4 दिन के बाद पानी दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी हेल्दी से लग रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में इस तरह से लगा सकते हैं, अपनी स्टेयर पे लगा सकते हैं। ये देख सकते हो आप, इनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ये देख सकते हो आप इस तरह से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये भी देखो, आप इधर देख सकते हैं। इस तरह से आप इनकी केयर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे ऐसा करें जैसे मैंने किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरे देखो कितने हेल्दी हेल्दी से प्लांट है। जेरेनियम है, सेकुलेंट है, यहाँ मैंने कटिंग लगा के रखी है। आई होप सो कि ये कटिंग रेडी होगी हो। ये मेरा मनी प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रखा है। आजकल हमारे प्लांट जो होते हैं, इनडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट है, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, वो ग्रोथ करना बंद हो जाते हैं। उसमें से आजकल न्यू शूट्स निकलते हैं, और जैसे ही हमारा मौसम चेंज होता है दोस्तों, तो फिर ये अपने आप चलने लग जाता है। जैसे आपको मैंने इसके बारे में बताया था, शेफलेरा के बारे में, ये भी आजकल डोरमेंसी में चला गया है। ये कोई लीव्स नहीं निकाल रहा है, लेकिन ये शूट्स निकाल रहा है। इसके शूट्स निकल रहे हैं, और ये देख सकते हो आप, ये हमारा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने जब इसकी वीडियो पहले डाली थी, तो ये उतना ग्रोथ नहीं किया हुआ है, लेकिन इसकी लीव्स अब थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई हुई है। ये आप देख सकते हैं, मेरा क्रोटोन है, कितना हेल्दी लग रहा है दोस्तों। आप लोगों को इनको बीच बीच में क्लीन भी करना चाहिए। मेरा ये देख सकते हैं, एरिका पाम है, ये उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये मैंने थोड़ा सा आउटडोर रखा हुआ था साइड में, तो इसके ऊपर ओस गिरते रहे, जिसकी वजह से ये मेरा ख़राब हो गया दोस्तों। ये देख सकते हो आप मेरा क्या बोलते हैं इसको, फाइलोडेंड्रन प्लांट, जनेडू प्लांट भी बोलते हैं इसको। इसकी भी केयर नहीं होती है इतनी ज़्यादा दोस्तों। थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर लो, हल्का हल्का पानी दे दो, और अभी आप इतनी गुड़ाई ना करें इन प्लांट की, जिसकी वजह से इसकी रूट्स नंगी हो जाए। और अगर आप इसकी गुड़ाई ज़्यादा करोगे, तो रूट्स डिस्टर्ब होगी हमारी, जिसकी वजह से ये प्लांट सूख जाएगा। जैसे हमारा ये स्टार लाइट फाइकस का प्लांट है, इसको भी आप उतना ज़्यादा ना छेड़े, इसकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। आप इसको इसमें सिर्फ पानी दे दे, सुबह के टाइम पानी दे, और फिर आप थोड़ी सी देर के लिए इसको धूप लगा दे, जिसकी वजह से प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। आजकल ये प्लांट हमारे डोरमेंसी में गए होते हैं, ये बहुत कम ग्रोथ करते हैं, 0 की मात्र ग्रोथ करते हैं, ये आप देख सकते हो। ये आप, मैं आपको एक और पाम दिखाती हूँ, इसकी भी ग्रोथ आजकल बहुत कम चली हुई है। ये देख सकते हो आप, बहुत कम ग्रोथ है इसकी भी, पर है काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो, हाँ, मैं इंटरबाइन लगा के रखी हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये आजकल भी ग्रोथ करती है दोस्तों, देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ, बच्चों ने शायद गिरा दी होगी, गिर गई होगी, यहाँ मैंने ये लगा के रखा था, लहसुन लगा के रखा था कुछ दिन पहले, और ये भी अच्छा काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, देख सकते हो आप। या थोड़ा सा दूर दूर लगाया, स्पेस लगा के, तो ये आपका अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कुछ सकुलेंट प्लांट लगा के रखे हैं, लीव्स द्वारा प्रोपोगेशन की गई है। और यहाँ पे भी मैंने, आप देख सकते हैं, पॉजलिन का प्लांट है, कोई जरेनियम मल्टी कलर का है, कुछ सकुलेंट है, यहाँ देख सकते हो आप, ये मैंने वेजिटेबल ग्रो करके रखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरह से, ये मैंने कल ये काम किया था, ये मेरा काफ़ी अच्छे से लग रहा है। आपको मैंने दिखाया भी था, इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों। ये देख सकते हो आप, इनमें मैंने, ये देख सकते हो आप, मैंने इनको कलर किया है, नीचे भी बॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे भी मैंने ये, यहाँ मैंने वो लगा के रखे हैं, ब्रह्म कमल जी लगा के रखे हैं, जिसमें छोटी छोटी सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी सी लीव्स आ रही है, यहाँ पे भी छोटी, ये हमारी लीव्स द्वारा ग्रो होता है। आप इसको लीव से प्रोपोगेट कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ये आप इसको, इसका कोई सीजन नहीं होता दोस्तों, आप इसको जब मर्जी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मेरे इतने सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे कलांचो है, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, नॉब्सी प्लांट है, डेंथस है, पर्पल हार्ट है, ये मेरा है अजेलिया का है, यहाँ पे स्पाइडर प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। जब लगाया था तो कैसा था, बिल्कुल चुटकू पर था ये, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, अभी फ्लावरिंग होने को तैयार है ये।
यहाँ मैंने कैक्टस कुछ लगा के रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैंसी लगा के रखी है, जरेनियम है, देख सकते हो आप, काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, देख सकते हो आप। एडेंथस है, काफी अच्छे से ग्रो हो रखा है ये दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। इसका इतना वजन पड़ रहा है फ्लावर का कि इसकी जो ब्रांचेस है गिर रही है। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग का राज मैंने आपको बताया था कि मेरी ये फ्लावरिंग क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये पेंजी है, ये मेरा पिटूनिया है, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, देख सकते हो आप। आपको आई होप आपको दिख रहा होगा ढंग से, क्योंकि मुझे तो उतना दिख नहीं रहा है धूप में। बेबी सनरोज देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रखा है, ये देख सकते हो आप। ये देखो मैंने मोगरा लगा के रखा हुआ था, इधर भी देख सकते हो आप। ये लिली है मेरी, और इसका मैंने सबका आपको राज बताया था कि मेरे फ्लावरिंग जब लेके आई थी तो एक फ्लावर बड़ी मुश्किल से खिला हुआ था, और आज आप देखोगे कि मेरा पूरा ही पॉट भर गया है। लेकिन इनका वजन इतना हो रहा है कि इसकी जो ब्रांचेज है टूट रही है दोस्तों, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे से ये कितने अच्छे से ग्रो हो रखा है। ये मैंने इसमें दो लगा के रखे हुए हैं, गुच्छों में आ रखे हैं, ये देख सकते हैं। इनका राज मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आप इन सबको जो मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। देखो मैंने कितनी कटिंग लगा के रखी हुई है, आप इस तरह से विंटर में कटिंग ग्रो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी हेल्दी है। ये गजानिया है देखो तो, ये मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ये सैकुलेंट प्लांट है। ये मेरा यहाँ पे डहेलिया है देखो तो, इसमें एक बड़ा सा फ्लावर खिला हुआ है, देख सकते हो। जेड प्लांट है, यहाँ पर मैंने कुछ ये क्रिएट किया हुआ है, बोनसाई बनाने की कोशिश करी है लेकिन बनी तो नहीं है, लेकिन अभी तैयार हो जाएगी। आगे जैसे जैसे समर आएगा इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। बेबी सनरोज है, यहाँ भी इनका है, यहाँ भी कुछ मैंने सेकुलेंट प्लांट लगाए हुए हैं, बास्केट प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाइट पिटूनिया लगा के रखा, फ्लावरिंग के लिए रेडी है ये भी। यहाँ भी मैंने, ये बिगोनिया होगा आई होप सो, ये मैंने कटिंग ली थी किसी फ्रेंड से, तो ये शायद बिगोनिया ही लग रहा है मुझे। मेरा ड्रेसिना है छोटा सा, इसमें बेबी ड्रेसिना भी लगा है। ये मेरा मधुकामनी है, यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से ग्रो करा है, आपको मैंने दिखाया है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।